बच्चों, मैं निताशा सिन्हा आपको कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के समकालीन विश्व राजनीति के द्वितीय पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है दो ध्रुवीयता का अंत। इस पाठ को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हम रूस के उसके विघटन की चर्चा करेंगे। द्वितीय भाग में देखेंगे कि उसका परिणाम क्या हुआ, कैसे विश्व द्विध्रुवीयता से हटकर बहुध्रुवीयता की तरफ बढ़ता चला गया। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे विश्व में दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो ध्रुवीयता क्या है, आखिर कैसे विश्व दो भागों में बटा। उसके बाद सोवियत व्यवस्था, दो व्यवस्थाएं थी, एक अमेरिकी व्यवस्था और एक सोवियत व्यवस्था। हम सोवियत व्यवस्था का आशय को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद गोर्बाचोव और सोवियत का विघटन, विघटन के कारण और परिणाम। सोवियत के विघटन के समय गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। हम उनके नीतियों का अध्ययन करेंगे और विघटन के अन्य कारणों का भी अध्ययन करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के बाद राज्यों का उदय। किसी भी चीज के कोई भी घटना जब होती है तो उसका परिणाम क्या होता है और उसके विघटन के बाद क्या उसका प्रभाव पड़ता है उस देश पर तथा उसके आसपास के देशों पर, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे दो ध्रुवीयता क्या है। सबसे अगर आप ध्यान से समझे इस चीज को कि पूरे विश्व को दो भागों में बांटा गया है। अगर भूगोल की दृष्टि से देखते हैं, एक विषुवत रेखा है जिसके एक तरफ उत्तरी गोलार्ध है और एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध। विश्व में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर हम देखें तो विश्व एक, हम ये कह सकते हैं, वैमनस्यता की रेखा की वजह से दो भागों में बट गया है। एक अमेरिकी गुट हो गया है और एक सोवियत गुट। हम इसको बहुत ही सरल भाषा में कहें तो दो ध्रुवीयता है वह व्यवस्था है जिसमें दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है तथा जिनकी क्षमताएं प्रायः तुलनात्मक होती है, उसे ही द्विध्रुवीयता कहते हैं। शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीय विश्व की उत्पत्ति हुई। एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था और दूसरे खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ के हाथों में था। आखिर ये दोनों गुट अलग क्यों थे, दो ध्रुव क्यों कहा गया। 1917 में रूस की क्रांति के बाद एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसको समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा कही गई। ये जो अमेरिका की विचारधारा थी, पूंजीवादी विचारधारा, उससे बिल्कुल ही भिन्न थी। आप ये समझ लो कि दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में थे, एक दूसरे के विरोधी थे और इसी कारण पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था और एक शीत युद्ध का माहौल बन गया था, जो युद्ध नहीं था लेकिन युद्ध की स्थिति विद्यमान थी। इसके बाद हम देखेंगे कि सोवियत व्यवस्था का आशय क्या है। आखिर सोवियत व्यवस्था ऐसी क्या बात थी जो अमेरिका को खटकने लगी थी, कहां पर आकर दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। सोवियत व्यवस्था में हम सबसे पहले देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में सोवियत संघ की जो नीति थी या सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो समाजवादी थी, अर्थात जहां पूंजीवाद में नियंत्रण निजी कंपनियों के हाथ में होता है, समाजवाद में इसका सारा नियंत्रण जो था वह सरकार के हाथों में था। सोवियत संघ यह कहता था ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, अर्थात योग्यता अनुसार कार्य और कार्य अनुसार वेतन। सभी व्यक्तियों को काम का अधिकार पहली बार सोवियत संघ ने ही दिया था, किसी और देश ने उससे पहले अपने किसी भी नागरिक को काम का अधिकार नहीं दिया था। और सोवियत संघ में हरेक की जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। वहां ये व्यवस्था की गई थी कि कोई भी व्यक्ति सरकार की नजरों से अछूता ना रह जाए, सबकी जरूरतें पूरी हो। अमीर गरीब का जो भेदभाव था उसको खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया था। नियोजित व्यवस्था, 1928 में पहली बार सोवियत संघ ने पंचवर्षीय योजना लागू की। वहां कोई काम प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग के आधार पर होता था। लोग ये जानते थे कि प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं मजदूर मारा जाता है। समाजवाद इस बात में विश्वास रखता था और समाजवाद उस प्रोलेटेरियत क्लास के लिए ही बना था, तो वो चाहता था कि बूर्जवा वर्ग की राजनीति ना हो बल्कि प्रोलेटेरियत वर्ग का ध्यान रखा जाए। और इसीलिए वहां प्लानिंग से, नियोजन से हर काम होता था, क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा और कितना बनेगा और किस चीज की जरूरत ज्यादा है, ये निजी कंपनियां नहीं निर्णय लेती थी। ये निर्णय हमेशा से सोवियत सरकार ही लेती रही और वो जनता को सर्वोपरि रखती थी।
अपने लाभ को नहीं, अगर नुकसान भी हो या थोड़ा कम लाभ हो तो भी उत्पादन जो था वो सरकार जनता के हित को ध्यान में रखती थी। उत्पादन के सभी साधनों पर निजी कंपनियों का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। उत्पादन और वितरण के साधन पर जनता का ही नियंत्रण था। न्यूनतम जीवन स्तर, सोवियत संघ में यह फैसला किया गया था कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जाएगा, उसके जीने का अधिकार, उसके रहने का अधिकार, यह व्यक्ति को मांगना नहीं पड़ेगा। सरकार इस बात का ध्यान देगी कि हर व्यक्ति कम से कम न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त कर सके, कोई बहुत अमीर ना हो लेकिन अमीर गरीब का भेदभाव भी ना हो। इसीलिए सोवियत संघ में जो एक मध्यम वर्ग था वो कहीं नहीं था, एक समान वर्ग पूरे देश में एग्जिस्ट करता था या पूरे देश में अस्तित्व में था, जिसके कारण सोवियत संघ की व्यवस्था बिल्कुल ही सुचारू ढंग से चल रही थी। अब हम आते हैं राजनीतिक व्यवस्था पर। सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था कुछ हद तक तानाशाही थी, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही चल रही थी। वहां एक ही दल था, अमेरिका या ब्रिटेन या अन्य देशों की तरह बहुदलीय या द्विदलीय व्यवस्था नहीं थी, वहां पर एक दलीय व्यवस्था थी। चुनाव लड़ने का अधिकार भी किसी और दल को नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही थी। उन्हीं का नेता महासचिव और फिर राष्ट्रपति बनता था और कम्युनिस्ट पार्टी की मर्जी पर ही राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता था। अफसरशाही, हम सब जानते हैं कि जहां सरकार का हर चीज पर नियंत्रण होता है वहां अफसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सब कुछ सरकार से हटकर अफसर के हाथ में चला जाता है। यही हाल सोवियत संघ का भी हुआ, सब कुछ अफसरों के हाथ में ही चला गया था। इसके बाद समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन पर सरकार का एकाधिकार था, वहां पर प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी। कोई भी समाचार बिना सरकारी अनुमति के न टेलीविजन पर, न रेडियो पर, न समाचार पत्र में आ सकता था। हर हाल में उनको सरकार की अनुमति लेकर ही समाचार प्रकाशित करना पड़ता था और वो कोई भी ऐसी बात मीडिया में जाकर नहीं कह सकते थे जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। और इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता था कि प्रेस अपने आपे से बाहर ना हो, अर्थात प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण रहता था। इसके बाद हम बात करेंगे निजी अधिकार व नागरिक स्वतंत्रता का अभाव। सोवियत संघ में काम का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार लेकिन बिल्कुल नहीं था, समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था और इसीलिए सोवियत संघ में नागरिक स्वतंत्रता कहीं नहीं थी। सामाजिक स्वतंत्रता थी, आप अपने मन से कुछ नहीं, आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते, आप जी सकते हैं, आपको सरकार सारी सुविधाएं प्रदान करेंगी, लेकिन आप सरकार का विरोध करके अपने लिए कोई निजी व्यवस्था करने के लिए कहीं से भी स्वतंत्र नहीं थे। तो हम एक तरह से देखते हैं जहां सोवियत संघ की व्यवस्था में कुछ अच्छी बातें थी वहीं पर कुछ नकारात्मक बातें भी थी और शायद यही बातें आधार बनी जिसके कारण सोवियत संघ का आगे चल के विघटन हो गया। अब हम देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, आखिर क्या कारण थे कि जिस विचारधारा ने एक देश को महाशक्ति बनाया था लोग उसी के विरुद्ध में खड़े हो गए। आखिर वो कौन सी नीतियों में परिवर्तन था या कहां गलतियां हुई या क्या कमी रह गई कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी देश का टूट जाना। आखिर सोवियत संघ टूटा क्यों? सबसे पहले विघटन के कारण में गोर्बाचोव की नीतियां आती हैं। गोर्बाचोव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और 1988 में रूस के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के बाद वो ये समझ गए थे कि कहीं ना कहीं देश में एक अंदरूनी धारा बह रही है जो साम्यवाद के विरोध में है। उन्होंने दो नीतियां चलाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनॉस्ट। ग्लासनॉस्ट का अर्थ होता है खुलापन, अर्थात जो प्रतिबंध 70 सालों से उस देश में लगा हुआ था, प्रेस पर लगा हुआ था, उसको गोर्बाचोव ने खत्म कर दिया। और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्रचना, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए गए। इसका जो कट्टर साम्यवादी लोग थे उन्होंने काफी विरोध किया, गोर्बाचोव का तख्ता पलट करने की भी कोशिश की परंतु वो सफल नहीं हुए और जनता कुछ हद तक गोर्बाचोव की नीतियों का समर्थन भी कर रही थी, लेकिन सोवियत संघ का अंत शायद आ चुका था और गोर्बाचोव की नीतियों की वजह से देश जो है वो 25 दिसंबर 1991 को विघटित हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा कारण, पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन।
सोवियत संघ खुद ही कमजोर हो गया था। पूर्वी यूरोप में जो भी देश थे, रोमानिया या अन्य देश थे, वहां वो सैनिक और आर्थिक सहायता दे नहीं पा रहा था। उस देश में भी बदलाव की हवा चल रही थी। ऐसी स्थिति में जो पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार थी वो कमजोर पड़ती जा रही थी और वहां पर भी लोकतंत्र की मांग बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में वहां भी लोकतंत्र की स्थापना हो गई और साम्यवादी सरकार का पतन हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई और बहुदलीय व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था लागू हो गई थी। पश्चिमी देशों की भूमिका, पश्चिमी देशों ने जब ये देखा कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ कमजोर पड़ रहा है और पूरे विश्व में साम्यवाद के खिलाफ एक आंदोलन से सा चल रहा है, कि हवा चल रही है, तो उन्होंने इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। एक तुलनात्मक अध्ययन पूरे विश्व में शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं साम्यवाद में बहुत सारी कमियां है और पूंजीवाद उनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति में साम्यवाद कमजोर पड़ने लगा। जिस भी देश में प्रजातंत्र के लिए आंदोलन चल रहा था वहां पर पश्चिमी देशों ने समर्थन देना शुरू किया और इस वजह से भी सारे आंदोलन सफल हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग सभी देशों से सफाया हो गया। गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं, रूस सोवियत संघ 15 गणराज्य को मिलाकर बना था और इनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं का काफी हद तक दमन किया गया था, परंतु जब प्रेस पर से पाबंदी हट गई तो इनकी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं जोर पकड़ने लगी और इन सभी गणराज्यों ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और सोवियत संघ जो था उसका विघटन हो गया। आर्थिक विफलताएं, सोवियत संघ ने समाजवाद जरूर अपनाया परंतु आर्थिक दृष्टि से वह कमजोर होता चला गया। उसके पास अमेरिका के बराबर संसाधन नहीं थे। वह ये भूल गया था कि पूंजीवाद में कहीं ना कहीं स्वार्थ की वजह से ही सही लेकिन लोग बढ़कर काम करते हैं। समाजवाद में कृषि को संभालने के लिए हिंसा तक का प्रयोग करना पड़ा लेकिन कृषि सफल नहीं हुई। और आर्थिक विफलताएं कई पहलू में देखा गया। कभी सोवियत संघ ने सैन्यकरण पर खर्च किया, कभी राजनीतिक व्यवस्था उलट पुलट होती रही लेकिन सुधार कहीं नहीं आया। सैन्यकरण की हम बात करें तो सोवियत संघ के अपना एक काफी बड़ा हिस्सा सैन्यकरण पर खर्च करता था और इसकी वजह से जनता कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी और इसका मुख्य कारण यह था कि सोवियत संघ के पास संसाधनों की काफी कमी थी और वो दूसरे देशों से कोई मदद भी नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से वो आर्थिक रूप से कमजोर पड़ता चला गया। पश्चिमी राष्ट्रों से सोवियत संघ की तुलना, एक बात जब प्रेस पर से पाबंदी हटी तो ये देखी गई कि पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ से कहीं ज्यादा समृद्ध थे। लोग यह समझने लगे कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ में रहके वो सुखी नहीं है। पश्चिमी राष्ट्र के लोग जो आमोद प्रमोद का साधन पाते हैं, जो सुख के साधन पाते हैं, उसका तो 10% भी सोवियत संघ में कहीं उपलब्ध ही नहीं था। वो सिर्फ हैंड टू माउथ बनकर जी रहे थे और ये बात लोगों को कहीं ना कहीं कबूल नहीं थी। विघटन के बाद सोवियत संघ में कौन से परिवर्तन हुए और विघटन का परिणाम क्या निकला? सबसे पहले सोवियत संघ जब 15 भागों में टूट गया तो रूस और 15 नए गणराज्यों की स्थापना हुई, नए देशों का उदय हुआ। इन सभी नए देशों ने स्वतंत्र देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पंजीकरण कराया। उनको ये भी डर था कि कहीं रूस दोबारा जबरन उनका विलय अपने में ना कर ले, इसलिए कुछ राष्ट्रों ने तो नाटो और यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन कर लिया, उसमें भी पार्टिसिपेट करने लगे, अपनी सहभागिता देने लगे। तो इस तरह से विश्व पटल पर कई नए देशों का उदय हुआ। शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था जब सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को सोवियत संघ कबूल ही नहीं था, वो पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा देता था और समाजवादी विचारधारा को बढ़ने से रोकना चाहता था। और शीत युद्ध के संघर्ष को की समाप्ति तब हुई जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। एक विचारधारा को आघात, शीत युद्ध कोई दो देशों की या दो महाशक्ति की लड़ाई नहीं थी, वो दो विचारधारा की लड़ाई थी और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही एक विचारधारा का अंत हो गया।
विश्व के जो नव स्वतंत्र देश थे, जो समाजवाद या साम्यवाद को अपनाना चाहते थे, उनको भी बड़ा आघात पहुंचा कि कैसे वो इस विचारधारा को अब अपनाएंगे। उनके पास पूंजीवाद के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। तेल भंडार और अमेरिका का प्रभाव, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रूस कमजोर पड़ गया और अब उसको अपनी पुनर्रचना पर ध्यान देना था, उसको फिर से खुद को स्थापित करना था। ऐसी स्थिति में अमेरिका को पूरा मौका मिला कि वो पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व कायम कर सके। अमेरिका का प्रभाव काफी हद तक बढ़ गया। मध्य एशिया के सभी तेल भंडार पर अमेरिकी एकाधिकार हो गया। एक तरह से पूरे विश्व में एक ही विचारधारा अब जीवित रह गई थी और वो थी पूंजीवादी विचारधारा। साम्यवादी चीन, क्यूबा और कुछ एक देशों को छोड़कर कहीं भी समाजवादी या साम्यवादी सरकार थी ही नहीं। शीत युद्ध के दौर की समाप्ति, अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। सोवियत संघ खत्म तो शीत युद्ध भी खत्म। अमेरिका अकेला महाशक्ति पूरे विश्व के लिए था और पूरे विश्व के देश अब उसी को अपना आका कहिए या जो भी एक सिंपल वर्ड में कहा जाए कि वो सबसे पावरफुल, सबसे बलशाली देश बनकर रह गया था, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। और विश्व के जितने संगठन थे, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, उसमें अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समाजवाद को अब अपनाने से लोग झिझक रहे थे, क्योंकि जो समाजवाद का जनक था, जब उसके यहाँ ही समाजवाद फेल हो गया, असफल हो गया, तो फिर उस पर से नव स्वतंत्र देशों का विश्वास खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति में समाजवाद को अपनाने में सभी देश हिचक रहे थे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सफल मानी जा रही थी, क्योंकि अमेरिका सफल था और इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में काफी बढ़ोतरी हो गई थी। तृतीय विश्व को आघात पहुंचना, जो नव स्वतंत्र देश थे उनको तृतीय विश्व का देश कहा जाता है। रूस जो था वो इनको सैनिक और आर्थिक सहायता प्रदान करता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और अन्य देश खुद ही कमजोर पड़ गए थे, वो खुद ही कर्ज में डूबे हुए थे, तो वो इनकी क्या मदद करते। ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल हो गया था इन देशों को किसी की तरफ जाना, वो रूस की तरफ जा नहीं सकते थे और मजबूरी में उन्होंने अमेरिका के ही वर्चस्व को स्वीकार किया। इस तरह से तृतीय विश्व को समाजवाद के खत्म होने से या रूस सोवियत संघ के विघटन से काफी आघात पहुंचा था। अब हम देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद किन किन राज्यों का उदय हुआ। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी मान लिया गया था कि रूस सबसे बड़ा देश था, जबकि सोवियत संघ 15 प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के रूप में था। वहां पर 12 राज्यों ने मिलकर एक राष्ट्रकुल भी बनाया था। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में उन्होंने एक सम्मेलन करके राष्ट्रकुल बनाने की घोषणा भी की। 12 देश उसमें शामिल हुए। जॉर्जिया परोक्ष रूप से शामिल रहा, प्रत्यक्ष रूप से उसने किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन ये देखा गया कि सभी राष्ट्रों ने एक स्वतंत्र देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पंजीकरण कराया। बाल्कन राज्य का भी उदय हुआ। भौगोलिक दृष्टि से बाल्कन राज्य तीन ओर से समुद्र में से घिरा हुआ है, इसीलिए बाल्कन राज्य को बाल्कन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। बॉस्निया हर्जेगोविना जैसे देश थे जिनका अस्तित्व सोवियत संघ की वजह से कम आंका जाता था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इन राज्यों में भी काफी हद तक इनका उदय हुआ और इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। केंद्रीय एशियाई देशों का संगठन, केंद्रीय एशियाई राष्ट्र का निर्माण, सोवियत संघ से 5 गणराज्य जो टूटे थे वो सोवियत संघ से जो 5 गणराज्य टूटे थे वो केंद्रीय एशिया के देश थे, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे प्रमुख थे। और ये देखा गया कि जब ये टूटकर अलग हुए तो इनके यहाँ जातीय संघर्ष शुरू हो गया था, बहुजातीय और उपजातियों में। वहां पर एक समानता बना रखना बड़ा ही मुश्किल था। जैसे कि कजाकिस्तान में जब कजाक और रूसी लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था, कजाक लोगों को यह लगने लगा कि उनकी पहचान खत्म हो जाएगी।
ऐसी स्थिति में वहां पर नए संविधानों का निर्माण हुआ, सभी एशियाई राज्यों में नए संविधान का निर्माण हुआ। जैसे कजाकिस्तान में ये कहा गया कि जो भी राष्ट्रपति पद तक पहुंचेगा वो हर हाल में कजाक नागरिक ही होगा या कजाक ही होगा, और रूस का नागरिक कभी वहां राष्ट्रपति नहीं बनेगा। यही हाल किर्गिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में भी था कि वो चाहते थे कि जो वहां का नेटिव है, जो वहां के लोकल लोग हैं, वही उच्च पद पर पहुंचे, और इसीलिए उन्होंने अपने संविधान में ऐसी धाराएं रख दी कि वो कभी भी रूस का प्रभुत्व उन पर ना स्थापित हो सके। एक बार फिर से उन्हें रूस की दादागिरी ना स्वीकार करनी पड़े और वो एक स्वतंत्र देश के रूप में एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सके।